ओम शांति। 22 दिसंबर 2018। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। प्रश्न, बाबा जो नशा छड़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा छड़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्ट मोहा नहीं बने हो। नशा सदा छड़ा रहे उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा छड़ा रहे। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना? कहते हैं, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है, वह है जिनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी हैं, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं, देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्म परमात्माय नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे, वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वो ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहाँ जाए? शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महानात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें है ना? सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्य नारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी।
सत राम की कथा नहीं कहते, सत नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते हैं यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए, फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ट स्वर्ग कहा जाता है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नोंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शाद माने करते हैं जगतम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है ही नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है। चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखती हैं, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ, आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, भल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं, और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है। बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे।
उनको तो श्री नारायण बन सत्युग में राज्य करना है। भगवानुवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं, यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना ना सके, यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसे ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते, मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, इस भंबोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़े लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं। मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? कृष्ण को थोड़े ही जलाते हैं। यह तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है वेश्यालय विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना? अब क्षीर का सागर थोड़े ही होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरों को ऐसे थोड़े ही कहते, तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है, मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। यह ड्रामा का चक्कर बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं, तुम सब
पार्वतिया हूँ, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते ही अमरपुरी का मालिक बनाने, वह है अमर लोक, वहां तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मशीनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे, खिवाया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे, तो भी रात दिन का फर्क है। वह सारी रावण सांप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत छड़ाते ही, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मोह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था। 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हुए। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मुझते क्यों हो। मालिक हो अंधों को राह बतानी है, नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं। नष्टो मोहा हो तो यह भागे, वह ठहर ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे, लिखा भी हुआ है। ब्रह्म के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा, सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मुहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एकरस रहेगी। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.